बीएनएन न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं इस अनस अंसारी कैमरामैन फहीम शेख के साथ मोमिनपुरा नागपुर से। मेरे साथ शिवसेना के कुछ पदाधिकारी है और शिवसेना की एक शाख जिसे कामगार सेना कहते हैं। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो पिछले 30 से 35 सालों से शिवसेना से जुड़ा हुआ है, वो समुदाय के तमाम नौजवान और एक महिला भी है और एक बुजुर्ग भी है जो आदित्य ठाकरे जी की आदरणीय स्वर्गवासी बाला साहब ठाकरे, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के इन्होंने तस्वीर लगाए अपने दिल में सजाए बैठे हुए। मेरे साथ इस वक्त है नागपुर शिवसेना के उप प्रमुख भाई नईम पटेल। भाई नईम पटेल, बीएनएन न्यूज़ में आपका फिर स्वागत है। आपने आज ये जो लोग एकत्रित हुए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। आज हम लोगों का यहाँ जमा होने का उद्देश्य ये है कि जो 2.5 साल में शिवसेना और अघाड़ी की जो ये युति की सरकार चली, वो बहुत बेहतरीन चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। तमाम समाज और तमाम धर्म को लेकर के ये सरकार चल रही थी, हर धर्म की भावनाओं को समझते हुए ये सरकार चल रही थी। तो कुछ हमारी पार्टी के कुछ गद्दारों ने, जो बागियों ने पार्टी के साथ में विश्वासघात किया, उसके उपलक्ष में आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम अपनी सहानुभूति हमारे उद्धव साहब ठाकरे के समर्थन में पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम ये चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जी आप संघर्ष करो, हम तुम आपके साथ हैं, हम आपके साथ में आज हम आपके साथ का मतलब क्या? पूरा मुस्लिम समाज जो संगठन ये के लोग जुड़े हुए ये पूरे साथ में है? मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, हर समाज साहब के साथ में खड़ा हुआ है। आप साहब, आप अपने को अकेला नहीं समझना, ये पूरा मुस्लिम समाज आपके साथ में खड़ा हुआ है। आने वाले इलेक्शन में हम सबको बता देंगे कि शिवसेना को हम कैसे जितवा के लाते हैं और आने वाला वक्त शिवसेना का वक्त रहेगा। आपने महाराष्ट्र राज्य के अंदर कोविड के अंदर, जिसमें टॉप 10 के अंदर महाराष्ट्र राज्य को कोविड के अंदर उद्धव ठाकरे जी को प्रथम सम्मान मिला, पहले 5वें राज्य का सम्मान मिला, फिर प्रथम और मुख्यमंत्री का सम्मान मिला, तो ये सम्मान के लिए आपके दिल में क्या भावना है और आपने क्या सोच है उद्धव जी ठाकरे के लिए, उनके कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का रहा? उद्धव जी ठाकरे एज ए CM जो इन्होंने कोरोना काल में जो उनका काम रहा है, उनका काम बहुत सराहनीय है और ये पूरी महाराष्ट्र की जनता ने इतना काम पसंद किया उनका साहब का, उद्धव जी साहब CM साहब का पूरा काम उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किए है। इसके लिए पूरी जनता उनका एहसान मंद है। ऐसा CM मिलना मुश्किल है, ऐसा CM बहुत कम मिलता है। ऐसा ये हम बोलना चाहते हैं, हम उर्दू में बोलते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व मिलना हमारे सौभाग्य की बात है और ये महाराष्ट्र का ये अपना खुशकिस्मती रही है कि ऐसा CM हमको नसीब हुआ। बाहर हाल किसी वजह से आज हमको सरकार से हटना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम आज ये बोलना चाहते हैं CM साहब को, CM साहब आपने जो काम किया महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो काम किया है, उसके लिए हम आपका तहे दिल से अपना उसका शुक्रगुजार है और हम ये चाहते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, हम भी आपके साथ में कदम से कदम मिला के मेहनत करते रहेंगे और आने वाला वक्त शिवसेना का वक्त होगा और हम यही बोलेंगे आप हमारे जो जितने भी समाज थे, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सबको लेकर के चले और ऐसा मुख्यमंत्री मिलना, ऐसा नेतृत्व मिलना बहुत मुश्किल है। आज हम इसके लिए यहाँ जमा हुए, इकट्ठा हुए ये बताने के लिए कि हम आज भी स्टैंड है, आज भी खड़े हुए शिवसेना के लिए। चाहे आपका अगला कदम शिवसेना के जो आप लोग कार्यकर्ता, आपका अगला कदम आपकी सोच क्या है आगे के लिए, रणनीति के लिए? हमारी ये सोच है कि हम आने वाला वो वक्त जो है, आने वाले जो हमारी रणनीति ये है कि हम घर घर जा कर के लोगों के जो छोटे मोटे जो जो काम है, समाज के जो जो काम है, हम अपने तौर पर पूरे काम को निपटाएंगे और लोगों का सोशल वर्क का जो काम होता है, वो सोशल वर्क का काम करके हम अपने शिवसेना को मजबूत करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों को शिवसेना से आप कितने प्रतिशत जोड़ने की आप
आपकी शक्ति है और कितना आप आगे मुस्लिम समाज मुस्लिम शिवसेना में जुड़ना चाहेंगे आप मुस्लिम नौजवानों को? देखिए, मुस्लिम समाज इनके साथ में जुड़ना चाहता है और आने वाला वक्त मुस्लिम समाज 100% हम मुस्लिम समाज को आह्वान करेंगे और 100% मुस्लिम समाज शिवसेना के साथ में जुड़ेगा। ये थे मेरे साथ शहर उप प्रमुख नईम पटेल।